दोस्तों आप रनिंग करते हो या किसी प्रकार के आप स्पोर्ट्स में हो, कोई भी स्पोर्ट्स आप करते हो, उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी ये बच्चे, ये आर्यवीर है, अभी ये रनिंग करके आया है, और बच्चे भी, कुछ बच्चे बॉक्सिंग के हैं, और इसके लिए स्ट्रेचिंग मतलब आप रनिंग से पहले भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग रनिंग के बाद भी। और आज जैसे मैं स्ट्रेचिंग करना आपको बताऊंगा, अगर इस तरीके से आपने स्ट्रेचिंग की तो आपके शरीर में, बॉडी में जितना भी रनिंग करने के बाद जितना भी थकान होगी या दर्द होगा, जो थकावट की वजह से दर्द है, पेन है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये आपके लिए बड़ी ही लाभदायक होगी। जो बच्चे खासतौर से आर्मी की तैयारी करते हैं या मतलब स्पोर्ट्स में हैं कहीं ना कहीं, इस प्रकार से उनके लिए बड़ा ही लाभकारी वीडियो है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, हम आपको बताएंगे स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है। और वैसे तो बहुत तरीके स्ट्रेचिंग की जाती है, पर आपको एक नए तरीके से आज अलग तरीका बताएंगे थोड़ा, जिससे आपके सारे शरीर का पेन जो है ना, बिल्कुल सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, सारे के सारे मसल्स आपके। तो अभी आर्यवीर है ये बच्चा, अब करके दिखाएंगे स्ट्रेचिंग। बेटा आप लेट जाओ एक बार, सीधे सीधे ऐसे नहीं, ऐसे लेते हो आप ऐसे, ये, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो शरीर को। आपको कोई जोर नहीं लगाना अपनी तरफ से, ठीक है? हाँ, आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स मोड में आप रहेंगे। यहां से पहले घुटना पकड़ेंगे ऐसे, कोई सा भी, राइट हो या लेफ्ट हो, और ऐसे पंजे को यहां रखेंगे, पंजे का हल्का दबाव होगा। अगर आपने राइट राइट पैर या राइट लेग पकड़ी तो आप लेफ्ट पैर पे थोड़ा सा हल्का मतलब पंजा रखेंगे, जो रहेगा दबाव रहेगा थोड़ा सा, और इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा, और ये यहां तक ऐसे। जहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी वहां मुझे बताना है, ठीक है? और इस प्रकार से ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे ऐसे, पंजों पे घुटने ऐसे लगाएंगे, और घुटनों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, पूरा छाती से मिलाएंगे, पंजों को खींच के रखेंगे अपने घुटनों से, फिर पैरों को सीधा कर देंगे बिल्कुल रिलैक्स ऐसे। और ये बाजू को ऐसे उठाएंगे कंधों के दर्द के लिए, बाजू के दर्द के लिए, और ये यहां से ऐसे स्ट्रेच करेंगे, दबाव के लिए पूछता रहेंगे, जितना सहन कर सकता है खिलाड़ी, ये इस प्रकार से। इससे दोस्तों आपकी बॉडी का पूरी तरह पेन, जो थकावट की वजह से पेन है, बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये पूरी बॉडी का आपका स्ट्रेचिंग है, पूरी बॉडी की। आप इधर ले जाएंगे ऐसे, हाँ ऐसे, पैसे दाइए पैर ऐसे करें, पूरे पैर ऐसे, ठीक है? तो कंधा ऐसे रखेंगे, अपना घुटना यहाँ रखेंगे ऐसे, और कंधे पे हाथ ऐसे, और ये हल्का सा घुटने से ऐसे, ये 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 कमर के लिए है, ये बहुत ही बढ़िया। और ये ऐसे, अब आप पेट के बल लेट जाएं, अब दोनों पैरों को उठाएंगे ऐसे, मोड़ेंगे और पंजों को ऐसे मिलाएंगे, और ये यहां ऐसे दबाव देंगे, ये और ये मुट्ठी को बंद करेंगे ऐसे, हल्का कमर को रब करेंगे ऐसे, हल्का ये, हल्का 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 ये ऐसे,
अंगूठे से ऐसा थोड़ा इसको कंधे को ऐसे ये हल्का सा इधर वाले अंगूठे से भी ऐसे ये। अब ये हाथ है इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाएंगे, हल्का, ज्यादा नहीं, तोड़ मत देना, और यहां तक, यहां तक आसानी से स्ट्रेचिंग हो जाए, स्ट्रेच हो जाए। और ये ऐसा ये। अब आप बैठ जाइए, पैर सीधे कर लीजिए। कैसा महसूस दे रहा है? अच्छा महसूस दे रहा है। थकावट कोई दूर हो रही थोड़ी थोड़ी? हाँ जी। जी बहुत बढ़िया। ये जो कंधे हैं इसके मसल्स को ऐसे थोड़ा थोड़ा रब करेंगे हल्का हल्का, और ऐसे ये ऐसे यहाँ से ढीला छोड़ दो, शरीर को ढीला छोड़ दो, और ये ऐसे हाथों को ऐसे यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ये हल्की मुट्ठी बंद करेंगे और यहाँ से हल्का सा ऐसे ये दबाएंगे, ये हाथ यहाँ रखो। समझ में आ रहा है तुम लोगों की? और यहाँ से इस कंधे पे हाथ रखेंगे ऐसा, और ये पैर यहाँ रखेंगे, और ये अब इस साइड से ये आ जाए ना। बहुत बढ़िया। हाँ जी वीर, जैसे तुझे पेन हो रहा था कंधों में पैरों में, अब क्या स्थिति है? अब नहीं है। अब रिलैक्स हुआ ना, मसल रिलैक्स हो गए जी। ये देखिए दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, या आपने अभी स्पोर्ट्स शुरू किया है, रनिंग शुरू की है, तो आप इस प्रकार से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या आपके बहुत ही मतलब फायदेमंद होगा अगर आप करके देखोगे ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।